हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पहुवी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्जिंग लक्षरण। जो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बलौदा बाजार भाटापारा से फिर से एक बड़ी भर्ती आई है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में। तो यहाँ पे डेली डेली जो है छत्तीसगढ़ में सभी ज़िले में जॉब जो है वैकेंसी जो है स्वास्थ्य विभाग से आती ही जा रही है ना। तो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को जिन्होंने कोर्स करके बैठा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो टाइम रहते इसका लाभ उठा सके, है ना। क्योंकि कई ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है, वो योग्य रहते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोगों की मदद कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वैकेंसी के बारे में, पीडीएफ के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसका लिंक भी दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नए नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका यहां से एनएम का, ठीक है। तो एनएम का एनएचएम आरबीएसके एनयूएचएम तीन जगह से यहाँ पे एनएम के लिए 10 पोस्ट है। पेमेंट जो है 12,000 है। जिन्होंने एनएम किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट का और डिटेल दिया गया है कैटेगरी वाइज, ठीक है। फिर नर्सिंग ऑफिसर का है एनएचएम एनआरएचएम आईसीयू और एनयूएचएम के थ्रू 36 पोस्ट है यहाँ पे। 16,500 पेमेंट है सभी के लिए। और यहाँ पे बीएससी इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन एनएचएम आईडीएसपी एनयूएचएम, ठीक है। तो यहाँ पे डीएमएलटी बीएमएलटी वाले अप्लाई करेंगे, साथ में 14,000 पेमेंट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 6 है। फिजियोथेरेपिस्ट एनएचएम दो पोस्ट है, 18,000 पेमेंट है। बीपीटी जिन्होंने किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। डेंटल असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेट्रिकुलेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल में, तो 14,000 पेमेंट है। यहाँ पे 4 पोस्ट है, ठीक है। एमओ का आयुष मेल आयुष फीमेल दोनों में एमओ का पोस्ट है, जिसमें 25,000 पेमेंट है। जिसमें बीएचएमएस डॉक्टर बीएमएस डॉक्टर बीयूएमएस डॉक्टर दोनों डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं। आया बाई का एसएनसीयू में 8,800 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 8वीं पास है। क्लीनर का एसएनसीयू में 8,800 पोस्ट है, 8 पास है। ऑडियोलॉजिस्ट का एनपीपीसीडी 25,000 पेमेंट है, 1 पोस्ट है। बैचलर ऑफ डिग्री इन आइडियोलॉजी में है स्पीच लैंग्वेज थेरेपी में, तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। सोशल वर्कर एनटीसीपी तो 22,000 पेमेंट है यहाँ पे सोशल वर्कर का। ग्रेजुएशन होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएटेड। लैब असिस्टेंट आईडीएसपी में 12,000 रहेगा यहाँ पे, 12 पास प्लस 1 ईयर लैब में एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग स्टाफ तो 10,000 यहाँ पे पेमेंट रहने वाली है। 8 पोस्ट है टोटल, 8 पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। सिक्योरिटी गार्ड का है 4 पास, 4 पोस्ट है टोटल, 10,000 पेमेंट है। यहाँ पे 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और फार्मासिस्ट का है जिसमें डी फार्मा बी फार्मा दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 50% के साथ। 16,500 पेमेंट रहेगा। अकाउंटेंट है जिसमें 16,000 पेमेंट है, है ना। कॉमर्स जिन्होंने किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है जिन्होंने एमबीए एमएसडब्ल्यू किया है, 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 26,000 पेमेंट है। ब्लॉक मैनेजर अकाउंट 21,000 पेमेंट है। बीकॉम पीजीडीसी वालों के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट 13,650 पेमेंट है यहाँ पे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 12,000 पेमेंट है, टोटल 4 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पीएडीए तो यहाँ पे एनएचएम से है, 4 पोस्ट है, 12,000 पेमेंट है, 12 पास प्लस 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनको टाइपिंग आना चाहिए यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद है आपका क्लास 4 वर्कर एनयूएचएम से 10,000 पेमेंट है, पोस्ट 1 है, 5th पास यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एसडब्ल्यूसी संगवारी है ना, एसडब्ल्यूसी संगवारी 13,500 पेमेंट है। एनी ग्रेजुएटेड विथ एमएसडब्ल्यू फिर एसडब्ल्यूसी संगवारी कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे रहेंगे एसडब्ल्यूसी लेवल पे, तो 1 पोस्ट है 13,500। कोई भी ग्रेजुएशन विथ पीजीडीसी है, ठीक है। तो ये सारे कितने पोस्ट है, पेमेंट क्या रहेंगी, क्वालिफिकेशन क्या है, सारा डिटेल इसमें हो गया। अब देखते हैं लास्ट डेट के बारे में। तो आपका लास्ट डेट जो है ये रिक्रूटमेंट जो है 1 जून को आया हुआ है फ्रेंड्स, और ये इसका लास्ट डेट जो है 16 जून को शाम 5 बजे तक है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो है इस एड्रेस में भेजना है, है ना। तो इसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे और देख लीजिए आप लोग, चयन कैसे होगा आपका। तो कोविड का बोनस अंक मिलेगा अगर कोविड में कोई काम किए उनका, और अनुभव के आधार पर शैक्षणिक योग्यता। तो जो कोविड में काम किए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि कोविड का 10 नंबर यहाँ पर मिलेगा, तो डायरेक्ट उनको किसी का
3 साल 4 साल के अनुभव के लायक उनका नंबर हो जाएगा अगर 1 साल भी काम किया है कोविड में तो। ठीक है, तो यहाँ पे कोविड में अगर काम किए हैं आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। और यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। ठीक है, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है। आई होप कि आपको ये रिक्रूटमेंट अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर है NM के पद हेतु NM JNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन आवेदक को 1 वर्ष का 4 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंक प्रदान किया जाएगा, है ना। मतलब अगर मितानिन ने NM JNM किया है, नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा अंक मिलेगा। यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।